बड़ी माथा पच्ची के बाद इस सिटी में पहुंचा हूं मैं दंगफांग जहां से आपको शाओलिन के लिए बस मिलेगी। सबसे पहले तो है जंगजू जो दंगफांग से 70 किलोमीटर है। शाओलिन सा ओके शे शे शाओलिन तो हां जी अब आपको पूरे तरीके सारी बातें समझाता हूं कि कैसे क्या सिस्टम है, कैसे कौन से सिटी से आप शाओलिन टेंपल तक पहुंच सकते हो। सबसे पहली बात तो शाओलिन वो जगह है जहां से कंगफू की स्टार्टिंग हुई थी और बहुत से लोगों का मानना है और शायद ये रियलिटी भी है कि जो कंगफू के सबसे पहले शिफू थे यानी कंगफू के जो सबसे पहले मास्टर थे वो इंडिया से आए थे। उन मास्टर का तो मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां पर जाकर मैं पूछूंगा किसी न किसी से, लेकिन जिसने कंगफू स्टार्ट किया था ही वॉज फ्रॉम इंडिया और फॉर इंडिया से वो फिर आए, उन्होंने फिर पूरा तिब्बत क्रॉस किया और फिर यहाँ तक पहुँचे। डेंगफांग इज 70 किलोमीटर फ्रॉम जंगजू और जंगजू वही सिटी थी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं जहाँ तक पहुँचा था। मैंने शियान से जंगजू तक की बुलेट ट्रेन ली थी, उसके बाद बुलेट ट्रेन लेने के बाद मैं जंगजू के अंदर ही चक्कर काट रहा था। तो फिर सुबह मैंने क्या किया, जंगजू से दंगफांग की बस पकड़ी, उस बस के लिए मैंने पे किए 31, 70 किलोमीटर के लिए 300 रुपये और फिर बस ने मुझे उतार दिया दंगफांग तक। यहाँ पर आने के बाद हद से ज़्यादा जो यहाँ पर टैक्सी वाले हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, जैसे आप बस से उतरोगे टैक्सी 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 पागल बना देते हैं यार। दंगफांग का जो बस स्टैंड है जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग के अंदर एक दुकान मिल गई थी मुझे और उस दुकान के अंदर मैंने अपना सामान रख दिया है शाम के 6 बजे तक और एक बैग के वहां पर मैंने पे की है 100 रुपये और फिर अब दंगफांग बस स्टेशन से मैंने एक मिनी बस पकड़ी है जो शाओलिन तक मुझे उतार देगी। तो गाइस जिस मॉन्क ने ये जगह स्टार्ट की थी उस मॉन्क का नाम है बोधिधर्म और चाइनीज में उसे बोलते हैं पुथी डामो। चंगो नी चंगो नो No. 听不懂是吧? No. Oh, no. बाकी इस साल चाइना की इंडिपेंडेंस की 70th एनिवर्सरी है तो आपको जगह जगह पर चाइना के फ्लैग और फ्लैग के साथ वही मेंशन होगा कि भाई हाँ चाइना के 70 साल पूरे हो गए। हेलो वन टिकट Shaolin. टिकट का प्राइस 80 RMB और उसके अंदर आपके फिर सारे जो सीनिक एरिया हैं यहाँ पर आसपास वो सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है चाइना की, घूमना चाइना में बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है।
अगर आप हिच हाइकिंग करते हो उसमें भी अलग अलग टाइप के ट्रिक्स हैं और बाकी जो टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है उनके जो प्राइस वो तो भाई एकदम सुभान अल्लाह है। नहीं हाँ ये भीड़ देखो हर जगह आपको ऐसा ही सीन मिलेगा चाइना में। आप ऐसे ट्रैवल करना चाहोगे क्या? इनमें से लगभग लोग आपको 50 या 60 से अबव मिलेंगे, लगभग रिटायर हो गए हैं वो, और रिटायर होने के बाद उनको टाइम मिलता है और उस टाइम वो अपने कंट्री को घूमते हैं, उससे पहले सिर्फ काम काम। शाओलिन मोनेस्ट्री का ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पर अंदर परफॉर्मेंस होती है कंग फू की, और उन परफॉर्मेंस का टाइम है 9:30 से 10, 10:30 से 11, 11:30 से 12, 2 से 2:30, 3 से 3:30, 4 से 4:30 और 5 से 5:30। नहीं हाँ शाओलिन ना शाओलिन शाओलिन वुशु पार्ट नहीं थे कुंगफू वुशु वुशु कौन गुफु तिम्बतु नी दे मिंगजी वो दे मिंगजी सिंचाओ 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 इंदू। अभी मुझे 1 घंटा वेट करना है अगली परफॉर्मेंस के लिए। अभी तक जितना मैंने देखा है उससे मुझे यही पता लगा है कि स्टार्टिंग में जो मोंग थे उन्होंने लड़ने के लिए कंग फू स्टार्ट नहीं किया था, कंग फू उन्होंने स्टार्ट किया था अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए, मेनली जो उनका ध्यान था, क्योंकि जो शाओलिन के अंदर मार्शल आर्ट्स और जो मेडिटेशन का सिस्टम है वो पूरा बुद्धिज़्म के ऊपर बेस्ड है, इट्स ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तो स्टार्टिंग में जो कंग फू स्टार्ट किया था वो बॉडी को फिट रखने के लिए किया था, ताकि इनकी बॉडी फिट रहे भाई, घंटों घंटों तक इनको मेडिटेशन करने के लिए बैठना पड़ता था, तो इस कारण से उन्होंने कंग फू स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे कंग फू एक काइंड ऑफ मार्शल आर्ट बन गया भाई, क्योंकि इस मोनेस्ट्री के ऊपर काफ़ी अटैक भी हुए थे, काफ़ी लुटेरों ने अटैक किया, उसके बाद फिर उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री को भी बचाया और ये मोनेस्ट्री कई बार डिस्ट्रॉय भी की गई थी। और अगर आप शाओलिन मोनेस्ट्री में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कंग फू की तो वो भी आप ले सकते हो, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो शाओलिन मोनेस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर पूरी तरीके से मेंशन कर रखी है कि भी किस किस टाइम इनकी क्लासेस होती हैं, क्या क्या आपको खाने में मिलेगा, कैसे आपका वीज़ा का प्रोसीजर होगा, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी, और जो वेबसाइट के लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको शाओलिन मॉन्क बनने के लिए सिर्फ मार्शल आर्ट आनी चाहिए, साथ साथ में आपको जो चैन बुद्धिज़्म को बताता हूँ आपको। जो इंडिया से शाओलिन मॉन्क आए थे बोधिधर्म, उन्होंने चैन बुद्धिज़्म को चाइना में इंट्रोड्यूस किया था और इसी जगह पर शाओलिन में, और वहीं से फिर शाओलिन मोनेस्ट्री की शुरुआत होती है आज से लगभग 1500 साल पहले। तो यहाँ पर जो आपको मॉन्क्स मिलेंगे उनको फिजिकल टेस्ट तो क्लियर करना ही पड़ता है और साथ के साथ जो सूत्राज हैं मंत्राज हैं उनका टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है। लड़ रहे हैं आपस में, भीड़ देखो भैंस की यार मजे ही आ गए भाई। एक बात तो समझ आ गई, इंसान चाहे कहीं का भी हो सब्र नाम की चीज नहीं है भाई इनके अंदर, गंदी तरह लड़ रहे थे, पता नहीं कुछ ना कुछ आपस में बोल रहे थे, एकदम हाथापाई तक नौबत आ गई थी।
मॉनेस्ट्री का सबसे मेन टेंपल है ये। कुछ पढ़ने के लिए लिखा है क्या? नहीं भाई, सब चाइनीज में। चाइनीज टैबलेट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ थ्री रिलीजन्स। ये वाला जो टैबलेट है ये तीन रिलीजन के इंटीग्रेशन को शो करता है। सबसे पहले हैं, और ये बनाया गया था मिंग डायनेस्टी के दौरान। स्केच पिक्चर वाज मेड बाय ज़ू ज़ेयू, अ सन ऑफ द एम्परर। देन इन द पिक्चर यू कैन फाइंड अ बॉडी ऑफ थ्री हेड्स हु आर फाउंडर्स ऑफ द थ्री रिलीजन। इन द मिडल सक्यमुनि, इन द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ऑन हिज राइट कोंगजी कन्फ्यूशियस, the founder of Confucianism, and in his left Laozi, the founder of Taoism. Below the picture is the lineage of the temple. हाँ, तो ये वाला जो स्केच है ये बनाया गया था 1565 के अंदर, जो मिंग डायनेस्टी थे उसके एम्परर के बेटे के द्वारा। और इस स्केच में मेनली तीन रिलीजन शो किए हुए हैं। सबसे पहले बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशनिज्म एंड Taoism, जो तीनों रिलीजन चाइना के अंदर प्रेजेंट हैं। उन तीनों रिलीजन का इंटीग्रेशन इस एक स्केच के अंदर दिखाया गया है। नीचे फिर इस मोनेस्ट्री की जो लाइनेज थी उसके बारे में डिस्कस किया है। एंड सब ट्रेडिशनल चाइनीज। चाहे चाइनीज समझ में ना आए, लेकिन दिखने में बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लगती है। और एक्चुअली में है यार, इनके पास इतने ज़्यादा कैरेक्टर है ना, इतने ज़्यादा कैरेक्टर हैं। और अगर आपको नॉर्मल चाइनीज बोलनी भी है तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 2000 कैरेक्टर याद होने चाहिए। The whole was burnt in the war of 1928 and rebuilt in 1981. However, the whole rebuild was not like the original because no records and photos could be found. It was rebuilt once more in 2004 following the architectural style in Jin dynasty. अगरबत्ती। बुद्धा, बुद्धा। या या। फू। या या। शेशे। बाय बाय। हेलो। और ये जो टेंपल है ये है चैन बुद्धिज्म का। यार बुद्धिज्म की पहले मैं दो ही ब्रांचेस समझता था, यानी मेन भी और सब ब्रांचेस भी उन्हीं को ही समझता था। देखो मेन अभी भी दो ही ब्रांचेस हैं, थरुवेदा और महायाना, लेकिन इनकी भी बहुत ज़्यादा सब ब्रांचेस बनी हुई हैं। मुझे लग रहा था कि जो चाइना का बुद्धिज्म होगा वो काइंड ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं है। बहुत सारे चेंजेस देखने में मिले हैं, सिर्फ अभी देखने में बता रहा हूँ। जो टीचिंग्स हैं वो थोड़ी बहुत अलग होंगी, पक्का कन्फर्म है। कुछ जो इनके ट्रेडिशन हैं वो भी थोड़े बहुत अलग होंगे। जो प्रे करने का स्टाइल अभी आपने देखा होगा कैसा था। और बाकी इस मोनेस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल यही वाला है, जहाँ पर बुद्धा का स्टैचू लगा हुआ था। और अंदर मुझे लग रहा है कि बौद्ध धर्म का भी स्टैचू लगा हुआ था, क्योंकि काली दाढ़ी, बड़ी बड़ी, चाइनीज लोगों को तो नहीं आती है शायद, मुझे बौद्ध धर्म का स्टैचू लग रहा था, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। पहले ये किचन हुआ करती थी, अब हो गया डाइनिंग हॉल और किचन चली गई है इधर। ये बस फू फू ये बस ये है ग्वानयिन ग्वाय ग्वानयिन ग्वानयिन ओ ग्वानयिन ग्वानयिन शेशे। और यही है वो इंडियन मॉन्क जिन्होंने शाओलिन मॉनेस्ट्री की शुरुआत की और कुंग फू की शुरुआत की चाइना के अंदर। बोधि धर्म, कैन यू से इन चाइनीज पुती पुती दामो, हाउ यू से इट पु तो ना छ पुती
Bodhidharma. Shishi. चाहे दिखने में इंडियंस का और चाइनीज का कोई कनेक्शन ना हो लेकिन बहुत सी चीजें कॉमन है अपने अंदर. सबसे बड़ा तो बुद्धिज्म ही लगा लीजिए आप. और जैसे ही मॉन्क सारे टेस्ट क्लियर कर लेते थे उनको फाइनल मॉन्क यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता था टेम्पल्स के अंदर. जो मॉनेस्ट्री के हेड होते थे वो उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देखते थे, उनका टेस्ट लेते थे और इन सब चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपका जो फाइनल असेसमेंट होता था वो इधर टेम्पल में होता था और वहीं पर मॉन्क डिक्लेयर किए जाते थे. अगर मान लीजिए आप टेस्ट में एक बार फेल हो गए तो जो नेक्स्ट चांस होगा वो आपको 3 साल बाद मिलेगा. ये बोधी ट्री मे बी एक्सक्यूज मी निहा पोतीशु शेषे बोधी ट्री. अपने इंडिया में बोधी वृक्ष बोलेंगे और चाइना में उसे बोलते हैं पोतीशु. पोतीशु शेषे. इसमें यहाँ पर अंदर पेंटिंग्स में बोधिधर्मा की पूरी लाइफ को ढंग से दिखा रखा है कि वो कैसे उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और फिर कैसे यहाँ के जो किंग हैं उनको वो कन्विंस करते हैं मोनेस्ट्री बनाने के लिए और वो सारी बातें.